आप देख रहे हैं TNB। 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे और मझले व्यापारियों के लिए था, गुजरात सरकार वो कोयला खा गई। शहंशाहों के शहंशाह नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो गुजरात के उद्योग मंत्री भी थे, और ये उद्योग मंत्रालय उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है कि 14 साल से जब ये घोटाला चल रहा, उसमें से 10.5 साल मुख्यमंत्री के पास उद्योग मंत्रालय भी है, ये संयोग है या प्रयोग है? ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के गौरव वल्लभ जी। सर, आज इस तरीके से कोयला घोटाले पे आज आपने गुजरात सरकार को घेरा है, क्या कहना चाहेंगे? 60 लाख टन कोयला जो गुजरात के छोटे और मझले व्यापारियों के लिए था, गुजरात सरकार वो कोयला खा गई है, और वो कोयला दूसरे राज्यों की दूसरे इंडस्ट्रीज को बेच दिया। टोटल वैल्यू है इस स्कैम की 6,000 करोड़ रुपया। ध्यान रहे, इस 14 साल से ये घोटाला चल रहा है, और इन 14 साल में कौन कौन मुख्यमंत्री रहे गुजरात के? नरेंद्र मोदी जी, आनंदीबेन पटेल जी, विजय रूपानी जी और भूपेंद्र पटेल जी। इन 14 में से 10.5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पास ही उद्योग मंत्रालय का भी चार्ज था। शहंशाहों के शहंशाह नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो गुजरात के उद्योग मंत्री भी थे, और ये उद्योग मंत्रालय उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। तो हम मांग करते हैं कि एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में लगे, और ये चारों मुख्यमंत्रियों को इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इस घोटाले में, इसकी तहकीकात की जाए। हम दूसरी मांग करते हैं कि 14 साल से जब ये घोटाला चल रहा, उसमें से 10.5 साल मुख्यमंत्री के पास उद्योग मंत्रालय भी है, ये संयोग है या प्रयोग है? हमारी तीसरी मांग है कि जो एजेंसियां जिनको कि ये कोयला वितरण का काम गुजरात सरकार ने दिया, वो साल दर साल पिछले 14 साल से एक ही क्यों है? और हमारी चौथी और अंतिम मांग ये है कि CBI, ED, SFIO, इनकम टैक्स चुप क्यों है? क्योंकि 6000 करोड़ के फर्जी बिल बनाए गए, GST की चोरी हुई उसमें, स्टेट सेल्स टैक्स की चोरी हुई, इनकम टैक्स की चोरी हुई, और एजेंसियां खामोश, ऐसा क्यों? सर, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जो गुरमीत राम रहीम है उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय राजनीति से प्रेरित ना हो, सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए निर्णय नहीं लिए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं संविधान हमारे देश में, सुप्रीमेसी ऑफ संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन। गुजरात सरकार पर सीधे तौर पर कांग्रेस के गौरव वल्लभ ने निशाना साधा है। कोयला घोटाले को लेकर उन्होंने कितना बड़ा घोटाला जो है किया गया था गुजरात में या किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने बात की। इसी के साथ ही गुरमीत राम रहीम के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला जो है वो राजनीति के फायदे या राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए, उससे परे हटके जो है हर फैसला लिया जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर गुजरात में जिस तरीके का जो घोटाला उन्होंने बताया है, जितने मुद्दे उन्होंने सामने रखे हैं, ये आप सुन चुके हैं, क्या मांग की जा रही है? सुप्रीम कोर्ट से भी उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।